हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं दही वड़ा, दही भल्ला, जिस भी किसी नाम से आप इसे जानते हैं। एक बहुत ही चटपटी सी चीज़ हमारे ध्यान में आती है और स्वाद जो है वो लंबे समय तक ध्यान में रह जाता है। तो अभी 2 हफ्ते पहले ऐसे हुआ कि मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे और वो लोग शाम में डिनर के लिए नहीं रुकने वाले थे, तो मैंने सोचा चलिए उनके लिए कुछ खास बनाया जाए। और दही वड़ा ही मैंने क्यों बनाया इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ली है उड़द की दाल 2 कप, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगोने के लिए रख दिया है। अच्छे से धो लीजिए और बस भिगो के रख दीजिए। अच्छा, इसको रात भर भिगोने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 घंटे काफ़ी हो जाते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे कि मुझे शाम में बनानी है तो बस सुबह में भिगोने के लिए रख दीजिए और मिक्सी में भिगोने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, इसको एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि इसमें दाल में से पानी पूरी तरीके से निकाल दे और अलग से ज़्यादा तक पानी ना ही डाले तो ही अच्छा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी कंसिस्टेंसी आगे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसते वक्त आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको लगने वाली है वो है हरी मिर्च और अदरक का एक पेस्ट। ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि ये हमें आगे और 3-4 बार लगने वाला है। कब और कहाँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बैटर है इसमें अब तक हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, तो मैं सबसे पहले इसमें मिलाऊंगी ये जो अदरक और मिर्च का हमने जो पेस्ट बनाया है अच्छी सी क्वांटिटी में, ये अपने मेन बैटर में हम मिला देंगे ताकि जो वड़ा बनेगा वो अपने आप में बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि उसका अलग और कोई स्वाद उस बैटर को है नहीं। अच्छा, नमक हम इस स्टेज पर मिला देंगे इसको, और अगर आपको लग रहा है कोई ज़रूरत है तो ही बस थोड़ी सी क्वांटिटी में आप पानी मिलाइए, जस्ट टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। पानी आप 2 से 3 चम्मच इसी रेशो में ऐड करते जाइए, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर वो वैसे बनेंगे नहीं। अच्छा, हमारा मेन और स्टार इंग्रेडिएंट है इस डिश का दही, तो दही बड़ा टेस्टी होना चाहिए। तो ये दही को हमें बहुत टेस्टी बनाना है, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये जो अपना जो मिर्च और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा लेके इस दही में डाल दिया है। अच्छा, दही को जो है वो आपने अच्छे से फेंटना है, उसमें शक्कर आपने ज़रूर मिलाना है क्योंकि ये शक्कर जो है इसमें टेस्ट बैलेंस करता है। जो खट्टापन होता है या जो एक दही की जो एक टेस्ट को हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रेगुलर नमक की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप काला नमक इसमें इस्तेमाल कीजिए। मतलब आप जब भी कोई चाट आइटम बनाए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उस वक्त आप रेगुलर नमक की जगह पे काला नमक इस्तेमाल कीजिए, आपके चाट आइटम का स्वाद एकदम से बढ़ जाएगा। मैंने भी काला नमक ही इस्तेमाल किया है। सब डालते हैं और इसको एकदम से अच्छे से मिला के इसकी कंसिस्टेंसी एक समान कर लेते हैं और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, मैंने अपने तीनों इंग्रेडिएंट मतलब शक्कर, काला नमक और अपना अदरक और मिर्च वाला पेस्ट बना लिया है और उसको मैंने अच्छे से मिला ले लिया है दही के साथ और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाती है। अब आता है हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये जो दही अभी हमने बनाया इसमें से ही लेके 2 चम्मच आप बाहर निकाल लीजिए। और ये क्यों लगेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसमें अब हम क्या डालेंगे, जो हमारा मिक्सी में बचा हुआ अदरक और मिर्च का जो भी बचा रहेगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, हम उसमें से लगभग 1 कटोरी पानी मैंने डाला है वो डाल के इस जो 2 चम्मच दही हमने निकाला उसमें ये मिला देंगे। ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जब भी हम अपना वड़ा फ्राई करके निकालेंगे उसी वक्त हम उनको इस पानी में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट उसको उसमें सोख होने देंगे। इससे क्या होता है, वड़ा अंदर से सॉफ्ट बनता है। इस पानी को भी हमने टेस्टी बनाया है तो वो पूरा अंदर तक टेस्ट जाएगा। थोड़ा सा जीरा भी मिला लेते हैं और फिर क्या है, फटाफट से अपने वड़े तल लेते हैं। चलिए, मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो वड़े बनते हैं ये अपने आप में इतने टेस्टी होते हैं, मेरे घर पे तो ये जब भी बनते हैं लोग दही वड़ा बनने से पहले इसे ही आधे चट कर जाते हैं। मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, इतने क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। कोई भी सॉस या पुदीने की चटनी के साथ आप इसे ऐसे भी सर्व कर दो ना, तो लोग इसे भी यूँ फटाफट से खा जाएंगे। तो लेकिन हमें तो बनाने हैं दही वड़े, तो हम इन्हें बचा के रखेंगे
अच्छा, वो जो पानी हमने बनाया था दही वाला निकाल के, उसमें ये गर्म होते हैं तब भी हम इसको डाल देंगे, और इनको हम करीब 3 से 4 मिनट तक इनमें रहने देंगे ताकि वो थोड़ा सा जो पानी एब्सॉर्ब भी कर ले, हल्के से सॉफ्ट भी हो जाए, और देखिए पानी भी हमारा बहुत टेस्टी है, तो पूरा फ्लेवर जो नमक मिर्च सबका फ्लेवर पूरा इसके अंदर तक चला जाएगा, दही वड़ा सॉफ्ट बनेगा। यही ट्रिक है, ये दही वड़ा सॉफ्ट बनाने की ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, और यही ट्रिक भी है। हल्के हाथों से दबा के मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है, और अभी ये इसी स्टेज तक आप बना के रख सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई आने वाला है और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं रहेगा तो ये इस स्टेज तक आप बना के रेडी रख सकते हैं। तो चलिए आ गई बारी हमारी सर्विंग की, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और दही आप ध्यान में रखिए, दही को अपने फ्रिज में रखना है, एकदम ठंडी दही होनी चाहिए। अच्छा, फ्रेश जीरा को अगर आप भून के उसका पाउडर बनाते हैं तो ये आइडियल रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मेन जो टेस्ट आता है वो हल्का भूरा हुआ जो जीरा हम पाउडर डालते हैं, हल्की लाल मिर्च जो डालते हैं, उससे बढ़िया सा टेस्ट आता है। अच्छा, कई लोगों को जो है इसके ऊपर मीठी चटनी या हरी चटनी डालना भी पसंद है, मुझे वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं लगती, हमारा पूरा डिश इतना हमने फ्लेवरफुल बनाया हुआ है। एक गार्निश के लिए चाहे तो आप पुदीने का पत्ता या धनिया, आपके पास फ्रेश कोरिएंडर आपके पास है तो उसको आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो बस और क्या चाहिए, फटाफट से अपना दही वड़ा सर्व कर दीजिए। देखिए आज हमने एक ही डिश में 2 डिश बना दिए, ये जो पकोड़े हैं ये भी अलग से सर्व किए जा सकते हैं, और जो दही वड़ा है वो जो खुद एक इतना बढ़िया सा आइटम है। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है, लोग जो हैं ऐसे बड़े वाले बर्तनों में पहले से सब लगा के दही वगैरह भी डाल देते हैं, चटनियाँ वगैरह भी डाल देते हैं और रख देते हैं, मतलब 2-2 घंटे तक लोग ऐसी ही डिश बना के रख देते हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे लगता है जब भी हमने दही वड़ा बनाना है या सर्व करना है उसको हमने उस वक्त दही फ्रेश ही सर्व करना है, वरना वो ऐसी एक परत उसके ऊपर आ जाती है, एक ऐसी अलग सा एक गाढ़ी सी एक परत उसके ऊपर आ जाती है जो मुझे पर्सनली तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैं जब भी सर्व करती हूँ मैं पूरा 95% तक बना लेती हूँ, और जब दही जो है वो मैं फ्रेश उसी वक्त निकाल के डाल देती हूँ, बस हल्का सा जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और फ्रेश कोरिएंडर की आपकी ये फटाफट से डिश रेडी हो जाती है। तो आप ये मेरी तरीके से बना के देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये सब कैसे लगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज़ मैं बनाती रहती हूँ, आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये सब कैसे लगा। मैं आपके कमेंट्स में ये ज़रूर पढ़ना पसंद करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई मेहमान घर पे आएगा तब जाके हम ये बनाएंगे, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप के लिए भी ये डिश ज़रूर बना सकते हैं, अपने घर के लोगों के लिए बनाइए, कोई आएगा तब जाके हम कोई अच्छी डिश बनाएंगे, ये करते रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के लिए बनाइए और मुझे बताइए कैसे बनी।